जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पूरे देश भर में आज होली का त्यौहार है, इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी ने पहले 25 लोकसभा सीटों में से 15 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बाकी 10 सीटों के लिए सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 10 सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं और 3 सीटें अभी भी होल्ड पर रखी हैं। बीजेपी ने श्री गंगानगर सीट से प्रियंका बालन को टिकट दिया है। वह अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति हैं और बीजेपी के कई पदों पर रही हैं। इस बार बीजेपी ने 4 बार के सांसद न्यालचंद मेघवाल के स्थान पर प्रियंका बालन को मौका दिया है। बीजेपी ने इस बार नए चेहरों पर दांव खेला है। श्री गंगानगर के अलावा जयपुर से सांसद रामचरण भौरा का टिकट काट दिया है, उनकी जगह मंजू शर्मा को मौका दिया है। मंजू शर्मा हवा महल के पूर्व विधायक भंवर लाल शर्मा की बेटी हैं और भंवर लाल शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनकी बेटी पर विश्वास जताया है। कुछ जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी की पसंद पर मंजू शर्मा को टिकट मिला है। बीजेपी ने राजस्थान से अपनी दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें श्री गंगानगर से प्रियंका बालन, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया और अजमेर से भागीरथ चौधरी और राजसमंद से महिमा विश्लेश्वर सिंह को टिकट मिला है। अजमेर और टोंक सवाई माधोपुर से सांसद रिपीट हुए हैं, जबकि मौजूदा 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें अभी होल्ड पर रखी हैं, जैसे ही उसकी खबर आती है आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, जो 3 सीटें होल्ड पर रखी हैं वो हैं करौली धौलपुर, दौसा और भीलवाड़ा सीट शामिल हैं। बाकी राजस्थान में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। थैंक यू।